विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर चुटकी ली है। रामलाल शर्मा ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की जिम्मेदारी कांग्रेस के पदाधिकारियों को दे देनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में एक भी परीक्षा पारदर्शिता के साथ नहीं हुई। जिस तरीके से परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, भले ही वो रीट परीक्षा हो या फिर ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा में भी एनएसयू वाई की एक पदाधिकारी की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। तो उधर रीट भर्ती परीक्षा में भी बत्तीलाल की भूमिका संदिग्ध मानी गई थी, जो कांग्रेस के नेताओं का शागिर्द माना जा रहा है। रामलाल ने कहा कि सरकार के दावों की भी पोल खुल चुकी है। भर्ती परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज की सुविधा निःशुल्क मुहैया करवाने की बात सरकार कर रही थी, लेकिन सरकार के पास पर्याप्त रोडवेज बस ही नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ता है। आप तो अपने कांग्रेस के पदाधिकारियों को ही पूरे आवेदन जो आते हैं उनको आप दे दें, सौंप दें, और वही चयन कर देंगे कि इतनी भर्ती है, इतनी वैकेंसी है, इन्हीं का चयन किया गया। क्यों जनता को परेशान कर रहे हो? परीक्षा देने के लिए जाते हैं, निःशुल्क बसों की व्यवस्था की घोषणाएं आप करते हो, बसें आपके पास उपलब्ध होती नहीं है, बसों के अंदर आए दिन दुर्घटनाएं होती है, और एक ने अनेकों दुर्घटनाएं इन परीक्षाओं के दौरान भी हुई है, उनके प्रति भी सरकार गंभीर नहीं है। तो क्यों नहीं आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही आवेदन आप हैंड ओवर करें, और उन्हीं को आप कह दें कि आप ही चयन करके दे दें।